जिस प्रकार से जो बिल्डर भागे हैं, वो बिल्डर तो कैपेबल थे और बड़े लेवल पे काम करने वाले थे, वो भागे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ में ये जो संस्था है न्यू गौतम नगर गृह निर्माण संस्था, इसने कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि लेने देने के मामले में ही कुछ मसला हुआ है। बाकी लोगों को आप अगर पूछेंगे तो लोगों को सिर्फ यही पता है बिल्डर आया है, फाइल चली गई। आज तक 15 से 18 सालों में कम से कम ऐसे 10 बार हुआ है कि हम लोगों ने जेरॉक्स जमा की है, ये फाइल इन लोग आगे पुटअप करते हैं, दलाल वाला काम यहाँ पे चल रहा है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सी एन न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के गोवंडी न्यू गौतम नगर, यानी न्यू गौतम नगर जो इलाका है, यहाँ पर एसआरए के प्रोजेक्ट एसआरए के तहत यहाँ पर काम होना है। यहाँ पर कई बिल्डर आए और चले गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर झोपड़पट्टी का डेवलपमेंट करना या स्लम का डेवलपमेंट करना दूर दूर तक नहीं साबित हो पाया है। हालांकि यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, उनसे पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बिल्डर आए और चले गए, क्यों चले गए ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाल ही में जो बिल्डर है 3 साल से लोगों को सिर्फ गोल गोल घुमा रहा है। हालांकि लोगों का ये भी कहना है कि 3 साल से आया हुआ बिल्डर कुछ काम नहीं किया, यानी कि झोपड़पट्टी में जिस तरह का माहौल था या जिस तरह लोग रहते थे, अभी भी जस के तस पड़े हुए हैं। यहाँ के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी सोसाइटी का क्या नाम है और यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम फयाज कुरैशी है, मैं न्यू यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। एक्चुअली सर, पिछले 15-18 वर्षों से ना यहाँ पे एसआरए के नाम पे सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, अलग अलग बिल्डर के माध्यम से लोगों को सिर्फ फंसाया गया है। लास्ट टाइम पे लकड़ा वाले की वजह से लोग काफ़ी सारे परेशान हुए, उसके बाद में एक नई संस्था आई है न्यू गौतम नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था, उसने डीजर नाम के एक बिल्डर को लेके आया था। और सर, बिल्डर है डीजर बिल्डर जो वासी नाका में काम कर रहा है क्या? हाँ, उनका लाया, उनके फ्लैटे वगैरह दिखाए, उनके भी साथ में हमारे जो लोग थे सबके पेपर जमा हुए, फिर वो बिल्डर का आज तक कोई पता नहीं चला। उसके बाद में यही संस्था ने परिनीति नाम के एक बिल्डर को लाया, उसने भी अपने फ्लैट दिखाए, उसने भी खर्चा किया, फिर वो भी बिल्डर का आज तक पता नहीं। अब बिल्डर को किस तरीके से इन लोग ने भगाया है या कुछ लेके भगाया या कुछ देके भगाया हमको पता नहीं। और यही संस्था, यही गृह निर्माण संस्था आज फिर एक नया बिल्डर लेके आ रही है, जो लॉकडाउन के बाद से अभी तक किसी तरीके की किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं हुई, लोगों के सामने बिल्डर आया नहीं है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, उसने एसआरए का प्रोजेक्ट किया है या नहीं किया है, उसके बारे में किसी को कोई मालूम नहीं है। और ये बिल्डर आके यहाँ पे काम करने के लिए तैयार है, हम काम करने के लिए एसआरए में जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें क्लेरिफिकेशन तो चाहिए, कौन सा बिल्डर आया, उसकी क्या प्रोजेक्ट कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है या नहीं है, क्योंकि ये 1500 का एरिया है, 1500 के एरिया में सिर्फ एक ऑफिस है बिल्डर की, जिसमें 2-3 लोग बैठते हैं और पब्लिक को जेरोक्स लेके आओ बोलते हैं, और एग्रीमेंट के नाम पर ये ठहराव पत्र हो गया और सहमति पत्र के ऊपर सिग्नेचर करा के ले रहे, जिसके बारे में लोगों को कुछ मालूम नहीं है और कुछ लोगों को बताया भी नहीं जा रहा है। और जो लोग पूछते हैं कि भाई हमको बताया जाए, मालूम पड़ा जाए, तो बोलते हैं आपके एरिया से रोड गुजरने वाला है, आपका एरिया टूटने वाला है, अगर आप ज़्यादा ये करोगे तो बीएमसी के अंदर में ये लैंड है, आपके घर अपात्र के इसमें जाएंगे, तो लोगों को एक प्रकार से डराया भी जा रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि 3 बिल्डर आए और चले गए जी, तो एक कौन सी सोसाइटी और कौन कौन से लोग हैं जो ये 3 बिल्डर को लाए और तीनों बिल्डर भाग के चले गए, इनसे क्या पैसा लिया गया या ऐसे ही बिल्डर चले गए, क्या करना चाहिए? जिस प्रकार से जो बिल्डर भागे हैं, वो बिल्डर तो कैपेबल थे और बड़े लेवल पे काम करने वाले थे, वो भागे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ में ये जो संस्था है न्यू गौतम नगर गृह निर्माण संस्था, इसने कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि लेने देने के मामले में ही कुछ मसला हुआ है। बाकी लोगों को आप अगर पूछेंगे तो लोगों को सिर्फ यही पता है बिल्डर आया है, फाइल चली गई। आज तक 15 से 18 सालों में कम से कम ऐसे 10 बार हुआ है कि हम लोगों ने जेरॉक्स जमा की है, ये फाइल इन लोग आगे पुटअप करते हैं, दलाल वाला काम यहाँ पर चल रहा है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, मतलब सोसाइटी में 2000-3000 कितने लोग रहते हैं, पब्लिक की जनसंख्या यानी घर की जनसंख्या कितनी है? जी, हमारी सोसाइटी में तो 160 लोग है, तकरीबन लोक संख्या अगर माना जाए तो 600 के करीब करीब तक लोक संख्या है। पूरा ये पट्टा से लेके आगे अगर गौतम नगर प्लाट वन आप गिनोगे तो तकरीबन 1100-1200 टेनेंट है, झोपड़े हैं, जिसमें लगभग देखा जाए तो 25,000 के करीब करीब जनसंख्या होना चाहिए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि पीछे जो बिल्डिंग बन रही है वो भी लकड़ा वाला बिल्डर की है जी, तो यहाँ पर जब लकड़ा वाला बिल्डर आया तो छोड़ा क्यों, जब पीछे उसने इतना अच्छा बिल्डिंग बनाया है तो ये प्रोजेक्ट भी कर सकता था ना? देखिए, लकड़ा वाला का बिल्डर का ऐसा था, उसने यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट किया है, पंचशील और वसात और ये एकता जो ये फ्रीवे का ब्रिज है उसमें, तो जितने भी इसने 3 प्रोजेक्ट किया ना, तीनों के तीनों प्रोजेक्ट में इसने लोगों के साथ में सिर्फ चीटिंग किया है। आज भी 300 से 350 लोग हैं जिनको घरें नहीं मिले, और आज भी कुछ लोग ऐसे जिनके कोई वारिस ही नहीं बचे,
इसने इतना दौड़ाया लोगों को, 18 साल बहुत होता है। गौतम नगर प्लॉट नंबर 1 में SRA का सबसे पहला प्रोजेक्ट है पूरे गवंडी में, और आज तक पूरे गवंडी के लोग इस प्रोजेक्ट से इस प्रकार से वंचित है। और बोलने का मतलब सर ये है कि ये सोसाइटी है कौन, 1400 टेनेंट है इस एरिया में, 25,000 की जनसंख्या, सिर्फ 3 लोग ये पूरे 1400 लोगों का फैसला करने वाले होते कौन है, इनको अपॉइंट कौन किया है, इनको चुना कौन है, हम तो नहीं जानते 3 लोगों को, तो फिर यही लोग क्यों आते बार बार, और इनका ही क्या मतलब, इन्होंने क्या ठेका लेकर रखा है पूरे बिल्डिंग का बनाने का या पूरे गौतम नगर का, इनको हम जानते ही नहीं तो हम इसको किस तरीके से फाइल दे। सही बात है, जिसको जानते नहीं है, जिसका पता ठिकाना नहीं है, उसके हाथ में अपने घर की जवाबदारी कैसे सौंपा जाए, ऐसा लोगों के मन में दुविधा है। क्या करना चाहेंगे आप लोग, यहाँ पर कितने साल से रहते हैं, क्या कहेंगे? हम लोग तो यहीं पैदा हुए हैं और यहीं रहते हैं, हमने इतने सारे लोगों के बिल्डरों के आना जाना लगा है, लोग खाली मिसगाइड करके हम लोगों को सिर्फ हमारी इमोशनल के साथ खेला जा रहा है। और जैसा भी हमारे भाई ने बताया कि ये लकड़ा वाले केस के अंदर के कितने लोगों को घर नहीं मिला है, तो जो उनके साथ हादसा हुआ वो हादसा हमारे साथ ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर कि उनको सही रास्ते पे हम लोग आए, ताकि हम भटके नहीं औरों की तरह इसी वजह। लेकिन यहाँ पे धमकाया जा रहा है कि भाई अगर आप नहीं दोगे तो हम आपको BMC आपको निकाल कौन रहा है, मतलब आपका घर है आपकी जगह है, और धमकाने का मसला कहाँ से आ गया? यही धमकाने वाले जो बिल्डर के साथ में है, जो अपने आप को बहुत बड़े वो समझते हैं कि भाई अगर आप नहीं दोगे तो BMC आपसे ज़बरदस्ती घर ले लेगी, नहीं होएगा तो फिर या तो आपको रोड कटिंग के मामले में डराया जाता है। अब लोग रहने वाले तो ये सोचेंगे कि भाई चलो रोड कटिंग में जाने से अच्छा है कि हम बिल्डर के पास चले जाए। अगर हम बिल्डर के पास चले भी जाते हैं तो मगर बिल्डर के पास जाने के बाद हमारे को घर मिले या नहीं मिलेगा उसका जिम्मेदार कौन? ये 3 लोग कल को हाथ उठा दे तो ये झोपड़पट्टी है, सबको मिल के चलना चाहिए, हम लोग ये कोशिश में लगे लेकिन नहीं। चलिए मैं आपको बता दूं कि लकड़ा वाला जो बिल्डर जिसका नाम लोग ले रहे हैं, पहले सबसे पहले यहाँ पे लकड़ा वाला बिल्डर का प्रोजेक्ट होना था। हालांकि पीछे की जो बिल्डिंग देख रहे हैं वो प्राइवेट बिल्डिंग है, उसके ठीक बाजू में दूसरा SRA का प्रोजेक्ट है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि लकड़ा वाले बिल्डर ने कई लोगों को उल्लू बनाया, यानी तक कि 3,000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक उनके हक का घर दिया नहीं है, इसीलिए लोगों ने लकड़ा वाला बिल्डर को यहाँ से भगाया। उसके बाद डिजर्वा बिल्डर आया, तो डिजर्वा बिल्डर का एक प्रोजेक्ट आपने वासी नाका में देखा होगा, जहाँ से वहाँ के लोगों को अभी तक कई सालों से भाड़ा नहीं है, तो इसलिए डिजर्वा बिल्डर को भगाया। अब तीसरा बिल्डर जो आया हुआ है वो बिल्डर के ऊपर भी लोगों का भरोसा नहीं है, बिल्डर करता क्या है, उसके कितने प्रोजेक्ट हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो अहरे गहरे रोड पे चलते हुए कोई भी बिल्डर आए और लोगों से बोले हम आपका बिल्डिंग बनाएंगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करने वाला। कुछ महिलाएं उनसे जाने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे? आप लोग यहाँ पर रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे आप लोगों के, आज आप लोग यहाँ इतने साल से रहते हैं, लेकिन आज आप लोगों का घर की जो हालात है या सोसाइटी की जो हालात है, या लोगों ने बताया कि 3 लोग सिर्फ फैसला ले रहे हैं, क्या करना चाहेंगे आप? तो वही बोलने का है कि 18 साल में 3 नहीं 5 बिल्डर हो गए कम से कम, आज 18 साल में तो एक भी इन लोगों ने ऐसा ही खाली फेस करा कि बिल्डर आया है, लेकिन बिल्डर को कभी दिखाया नहीं। और आज भी यही बात है, 18 साल कम नहीं होता है, आपने क्या बोले इसने बना के दिए, लेकिन इनको अंदर से आप देखो कि आज भी कितने लोग ये है। तो हम लोग का बोलने का क्या मतलब है, हम हमारे पेपर दे रहे, आप पात्र अपात्र करना आपके ऊपर है, तो वो इग्नोर कर रहे हैं। हमने ये भी बात रखे कि आप बिल्डर से मिलाओ हमारे इतने एरिए को, वो भी इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ पेपर जमा करो। और अपने सर्कल में जो है उन लोग सिर्फ घूम के यही बोलते हैं कि आप लोग पेपर जमा करो वरना रोड कटिंग में जाएगा, फिर हमको नहीं बोलना। तो ऐसा नहीं होता है ना, जब आपका अभी तक जो बिल्डर है ये लोग पेपर जमा करने बोल रहे हैं, सही है, तो उन लोग को भी इन लोगों ने अभी तक बिल्डर नहीं बताए, हमको बताना तो दूर की बात है। तो पब्लिक अगर आप पे भरोसा करेगी तो बिल्डर देख के ही करेगी ना। चलिए मैं आपको बता दूंगा, अगर कोई बिल्डर यहाँ पर प्रोजेक्ट करने आता है या कोई भी अदर सोसाइटी में आता है SRA के तहत काम करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले बिल्डर और पब्लिक और सोसाइटी के बीच में एक बैठक होती है, उसमें पब्लिक को ये देखना होता है कि उसका बिल्डर कौन है, उस बिल्डर की औकात है प्रोजेक्ट करने की या नहीं है, या कोई भी अथे गत्ते नहीं रहे वो गैरू कोई भी उड़ के आया और प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए और बाद में फिर लोगों को रखड़ाने लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वक्त SRA के तहत चल रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी के अंतर्गत अगर देखा जाए महाराष्ट्र में तो कई ज़्यादा मसला सामने आ रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? आपने जो बताया कि ये जो एग्रीमेंट किया गया ये किस बिल्डर के साथ किया गया है? पहली बात तो सर, जो एग्रीमेंट का जो फाइल है इसमें किसी किस्म की कोई डेट नहीं है। जैसा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता तो उसकी स्टार्ट पीरियड की डेट होना चाहिए, उसकी अंतिम डेट होना चाहिए, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई डेट नहीं है। लोगों को बोला जा रहा है कि भाई जेरोक्स लेके आओ, और वहाँ आने के बाद में आपको सिग्नेचर करना है इस नाम पर, लोगों से इस पर साइन करा के ले रहे हैं। PNR बिल्डर एंड डेवलपर है ये, डेवलपर को अगर आप
मुझसे नहीं, एरिया के अगर लोगों से पूछेंगे तो 95% लोग बताएंगे हमको पता ही नहीं है बिल्डर कौन है, बिल्डर का फर्म का नाम क्या है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 18 साल से लोगों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, कोई भी सोसाइटी वाला आके लोगों के साथ में जो SRA जैसी उत्तीर्ण और सबसे अच्छी जो स्कीम है सरकार की, महाराष्ट्र शासन की, उससे लोगों को दूर रखने का जो काम कर रहा है उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई होना चाहिए। और इस प्रोजेक्ट को अच्छे ढंग से जो प्रोपोजर अच्छे ढंग से चलाए वैसे बिल्डर को, वैसी संस्था को यहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस न्यू गौतम नगर के जो रहवासी हैं उनके साथ चर्चा करेंगे और भी कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे किस लिए यहाँ का जो प्रोजेक्ट है वो रुका हुआ है, यानी लोगों को हक का घर मिलना था अभी तक मिल नहीं पाया है। अगर ये SRA के तहत काम रुका हुआ है तो उसका जवाबदार कौन है या उसके ऊपर पुलिस केस कब लेगी, क्योंकि लोगों को बहकाया जा रहा है, लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस यहाँ के रहवासियों से जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार वापस न्यू गौतम नगर के जो रहवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन से वो 3 शख्स हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, यानी अपने चक्कर में लोगों को फंसा रहे हैं, बिल्डर से अच्छा खासा पैसा वसूल रहे हैं, वापस बिल्डर बदल दे रहे हैं, ये सब पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शब्बीर शेख है, ये यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और जैसे कि अभी आपने मेरे भाइयों से बाइट लिया तो उसमें ये पता चला कि यहाँ पे 18 साल से बिल्डर लोग आकर काम नहीं कर रहे। यहीं रहते हैं ना? जी हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। और एक्चुअल में अभी जो फिलहाल में जो PNR बिल्डर आया हुआ है वो बिल्डर ने, उसका बिल्डर का चीफ प्रमोटर हमारे इधर से जहांगीर भाई है, वो जहांगीर भाई ने यहाँ पे बिल्डर से 2019 में मीटिंग कराए थे, बट उसके बाद में जो ये कोरोना का काल आया उसके बाद में कुछ मीटिंग वगैरह हुई नहीं। 2019 में मीटिंग हुई थी, उसके बाद में जब ये इसका सबमिशन का काम चालू हुआ तो उसका काम था कि एक बिल्डर से मीटिंग कराया जाए, पर उस पर मीटिंग हुई नहीं है, चर्चा हुआ नहीं। क्या कहना चाहेंगे, अभी नया बिल्डर के साथ मीटिंग नहीं हुआ है और लोगों के साथ एग्रीमेंट भी किया जा रहा है, सोसाइटी में लोगों को बुलाया जा रहा है फिर उनसे साइन किया जा रहा है, तो ये कहाँ तक उचित है? नहीं, एक्चुअल में ये बिल्कुल उचित नहीं है, SRA के नियम में आता ही नहीं है, क्योंकि ये ब्लैंक इस पे साइन ले रहे हैं। कोई अगर वैलिड डेट होती, अगर सिग्नेचर लेते तो वो वैलिड होता, वो ब्लैंक इस पे सिग्नेचर लिया जा रहा है उनका। क्या आप लोगों ने सोचा क्या है, क्योंकि आप लोग के साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है 170-180 लोग आप लोग के साथ मेजोरिटी में है एक तरफ, दूसरी तरफ अलग लोग हैं, तो क्या सोचा आप लोगों ने आगे चल के? चलो, हमने जो सोचा था, हमने ये कुछ पॉइंट बनाया हुआ था कि जैसे ये जो फाइल में करारनामा डाला गया है तो करारनामे में पूरे टोटल पॉइंट है ना अथॉरिटी बिल्डर को दी गई है कि इसमें ना सोसाइटी की कुछ भी अथॉरिटी नहीं है, तो हमने उसको ना पढ़ते हुए कुछ पॉइंट ऐसी वैलिडेट बनाया था 12 पॉइंट, तो ये 12 पॉइंट को हमने जहांगीर भाई को दिया हुआ है कि ना ये 12 पॉइंट हमको करारनामे में इसको अटैच करके चाहिए, लेकिन अभी तक का उसका भी कुछ बिल्डर की तरफ से फैसला आया नहीं है। चलिए मैं बता दूं कि इस वक्त के जो लोग हैं, मतलब इस समय लोग जागरूक हो चुके हैं, CA न्यूज़ के पहले भी बहुत सारी ऐसी क्लिप है जो हमने कई SROs में जाके किया है, SRA प्रोजेक्ट के अंतर्गत लोगों ने खुद देखा है, लोग भी सोच रहे हैं कि हम अगर अपने घर की चाबी किसी को दें या अगर किसी को बिल्डिंग डेवलप करने के लिए दें तो कम से कम वो अच्छा और वो मजबूत बिल्डर हो ताकि यहाँ पर जल्द से जल्द लोगों को घर बना के दे सके। क्या कहेंगे आप महिलाएं, जितने पुरुष जितना चालेल का हरकत ना है, जेवड़ा पुलिस जितना आदमी लोग बोल सकते हैं उतना महिलाओं को भी बोलने का हक है, क्या कहना चाहेंगे, क्या आप लोगों के यहाँ जो लड़के लोग ने जो भी बोले आपको दिखाए, हाँ जे पण सांगितलं ना आम्ही त्यांच्या सोबतच आहे। आम्ही जितेंद्र आव्हाड सरांच्या पण बंगल्यावर मंत्रालयाला गेलो होतो, इथं कोणी पण जबरदस्ती घुसू शकत नाही आमच्या परवानगीशिवाय, बरोबर? आम्हाला हक्क आहे ना आमचा चॉईसचा बिल्डर निवडायचा, हक्क आहे की नाही? हां, मग आम्ही त्याच्यासाठी गेलेलो होतो, तर अर्धा तर जरा त्या माणसांना थोडंसं भडकवून डॉक्युमेंट्स घेता येईल जे भी तुम्हाला माहिती ना, तर ते आम्हाला जबरदस्तीचं नको आहे आणि तो लिखितमध्ये देत नाही आम्हाला, मागितल्यावर येऊन मिटिंगा करतो आणि बोलतो हा मैं सब तयार हूँ आणि लिखित मागितलं तर तो देत नाही। पण किती दिवस तुम्ही लोक झोपडेमध्ये राहणार आहे? आज आमची फॅसिलिटी पाहिजे ना, तेव्हा तर आम्ही देणार ना आमचं पण घर, आमचं आयुष्य चाललं आहे ना आजच, कोण झोपडपट्टीमध्ये राहणार, कोण चाहता है झोपड़पट्टी में रहना, कोई नहीं चाहता है ना, फिर इसलिए हम लोग को भी थोड़ा सा हमारे जैसा मन के ऐसा थोड़ा भी मिला तो हम भी दे देंगे ना, बिल्डर लोग भी बहुत कमाते हैं। आप पात्रू बोले के घर दे देंगे हम लोग उन लोग के भरोसे पे, तो आप पात्रू बोल के हमारे घर एकदम लोग ये कर देंगे, देंगे नहीं बाद में तो क्या हम फुटपाथ पे रहेंगे आके? हाँ, उन लोग पे कैसा भरोसा करेंगे, ये बच्चों लोग पे हमको भरोसा है,
ये लोग जो भी काम करेंगे ना एकदम ईमानदारी से पक्का काम करेंगे, ये इन लोग हर काम और हम इन लोग के साथी है। चलिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई सोसाइटी या ऐसे कई एसआर के तहत प्रोजेक्ट मैंने देखा है जहां पे 4 साल तक लोगों को भाड़ा नहीं मिलता है, लोग दर दर भटक रहे हैं, मंत्रालय जाते हैं मंत्रियों के कार्यालय के बाहर जाके चक्कर लगा के चप्पल घस चुके हैं, लेकिन कोई सुझाव नहीं, कोई जवाबदारी नहीं, कोई लोगों को मदद करने वाला नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं बराबर है, अभी कैसा है भाई, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। अभी जहांगीर भाई से जब हमारी बात हुई थी तो ये जो 12 लाइन की हम लोग ने बनाए हुए लाइन, ये फॉर्मेट उनको दिए थे, वो कहे थे क्या ये 12 लाइन में है क्या टर्म एंड कंडीशन? 12 लाइन में कैसा है कि मतलब जब तक एक एक रूम में ना आप पात्र हो नहीं जाता है और उसकी लिस्ट में आ नहीं जाता जब तक कोई भी रूम खाली नहीं होगा, और बाकी बहुत सी ये 12 लाइन है, लेकिन कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि बोले जब तक आप सामने आके बात नहीं करेंगे बिल्डर से तो हम लोग कोई भी पेपर वर्क देगा नहीं, और उनने भी हाँ बोले थे लेकिन अभी तक तो कोई रिफॉर्म दिए नहीं हम लोग को। हम लोग भी चाहते हैं कि सबके मतलब कैसा है ना रूम के बदले में रूम मिले, ये कहानी आपात्र की किसी के साथ में ना हो, ये हम लोग का कहना है सबसे पहले, और इसके लिए हम लोग कहते हैं बिल्डर को सामने लेकर जाओ, हम लोग सबके सामने सबके पेपर जमा करेंगे, वो भी MU का पेपर बना के। क्या कहेंगे? जो भी मांगे वो पूरा करो और ले लो, हमको कौन चाहता है जो फटाफट मेरे बस वही उसमें वो भी लिखा है जो 12 का 95 का एक भी दस्तावेज किसके पास में है। ये देखो 12 पॉइंट में पढ़ के सुना रही, सर्व पावती फोटो पास किंवा 95 ची वोटिंग आर्डर व खरेदी पेपर यामधील कोणतेही एक दस्तावेज जमा करून ट्रान्सफर फीस झोपडपट्टी धारक भरतील यांच्या व्यक्तिरिक्त जो डेव्हलपर आला म्हणजे डेव्हलपर लोक भरणा पडेगा। जोपर्यंत झोपडी पात्र होण्याची यादी मिळत नाही तोपर्यंत कोणतीच झोपडी तुटणार नाही। डेव्हलपमेंटला सोसायटीमध्ये बनवण्यासाठी येणाऱ्या डाऊनशिपच्या नकाशा द्यावा लागेल। कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कसे हा परिसर मस्जिदची जागा कोठे असेल आणि मस्जिदच्या ट्रस्टला किती जागा दिली जाईल ते स्पष्ट करावे। डेव्हलपरने मस्जिद व ट्रस्टच्या नावाने 2 अधिक गाळे द्यावे। यांनी सर्व झोपडीधारकांना 2 वर्षाचे रूम भाडे देणे, 10 वर्षाचे मेंटेनन्स पास करणे। यांनी सर्व 160 झोपडीधारकांना एकाच इमारतीमध्ये शिफ्ट करावे लागेल। डेव्हलपमेंट यांनी सर्व झोपडीधारकांना जुन्या सर्व डेमो अमाऊंट देणे बंधनकारक आहे आणि OCGच्या बरोबर अलॉटमेंट लेटर देणे सुद्धा बंधनकारक आहे। यांनी इमारतीच्या पुढील 10 वर्षांनी मेंटेनन्ससुद्धा द्यावा। बस ये सारे च्या इमारतील कुठली की 8 जो मांग है अगर उस मांग को मान लिया जाएगा तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी मेजोरिटी एक तरफ होगी यानी एक साथ बिल्डर के साथ होंगे, लेकिन बिल्डर भी सही होना चाहिए। आपको चलिए एक ऐसे अक्षक से रूबरू कराने जा रहे हैं जो यहाँ के खुद रहवासी हैं, पेशे से पत्रकार है और उनको काफ़ी यहाँ के बारे में जानकारी है, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी है क्योंकि वो खुद यहाँ पर रहते हैं और कई बिल्डर आए और गए, वो क्यों आए और गए वो भी जानने की कोशिश करेंगे संतोष पांडे जी से। संतोष जी मैं जानना चाहूँगा कि लोगों ने क्या बोला, आपने खुद देखा और आप खुद यहाँ रहते हैं, आज जो ये मसला रुका हुआ है या जो फंसा हुआ है या लोग अपने घर को चाह रहे हैं कि बिल्डिंग में लोगों को रहने को मिले, हर किसी का सपना होता है कि उनका खुद का घर एक बिल्डिंग में हो, महाराष्ट्र सरकार ने जब से GR लाया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? 15 से 18 साल हो गया है इस सारे योजना को शुरुआत करके, और सबसे बड़ी योजना है SRA की पूरे गोवंडी में, 1500 घर का SRA योजना है एक हिसाब से देखा जाए तो, और सबसे पहले शुरुआत हुआ था इस इलाके का SRA का सबमिशन के लिए, लेकिन सबसे लेट है, आजू बाजू के सब बन चुके हैं, आप ये पीछे भी देख सकते हैं, रेड ब्रिक देख सकते हैं, शिवाजी नगर जैसा इलाका है वहाँ पर भी बिल्डिंग बनना शुरू हो गया था जो इम्पॉसिबल था, लेकिन हम अभी तक वहीं के वहीं हैं। यहाँ का प्रॉब्लम एक ही है, यहाँ के जो लोग हैं वो जो भी सोसाइटी बन रही है वो पर्सनल फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, यहाँ गरीबों का और टेनेंट के फ़ायदे के लिए कुछ नहीं बन रहा है। यहाँ के लोगों का खाली एक ही चीज़ है, होली दिवाली ईद बकरीद कैसे उनके घर पे मिठाई आए, सिर्फ वो 11 लोगों को, बाकी लोगों से लेना देना नहीं है।
मेरा ये स्टडी है कि अब तक जितने भी यहाँ डेवलपर आए, डिजर्व डेवलपर, ये भी अच्छा है, बड़ा डेवलपर था, लकड़ा वाला था, वो भी बड़ा डेवलपर था, परिणी डेवलपर, ये भी बड़ा डेवलपर था। जब ये तीन डेवलपर्स जिनके पूरे मुंबई में 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाए या मना कर दिए क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर सके, तो ये छोटा सा पीएनआर डेवलपर कैसे कर लेगा? पीएनआर डेवलपर का आज लोग अगर किसी भी चीज़ को ढूंढना चाहें तो आसानी से गूगल पर उपलब्ध हो जाता है। परिणी डेवलपर आप सर्च कर लो, आपको उसके सारे प्रोजेक्ट और पूरा प्रोफाइल दिखेगा, डिजर्व डेवलपर का पूरा प्रोफाइल दिखेगा, लकड़ा वाला डेवलपर का पूरा प्रोफाइल दिखेगा, लेकिन पीएनआर आप गूगल पर डाल के देख लो, कहीं पर भी एक प्रोजेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ब्रोकर टाइप बिल्डर है? यस, ये बिल्डर सिर्फ लेगा हमसे प्रोजेक्ट, कंसर्न हमारा लेगा। मैं आपको बता दूं, मैं पेशे से जर्नलिस्ट होने के अलावा लाइजनिंग भी करता हूं बिल्डर्स के। जहां तक मेरा स्टडी है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो एग्रीमेंट कॉपी में लिखा हुआ है कि मैं यहां पर फाइनेंसर भी ला सकता हूं, नया बिल्डर भी दूसरा ला सकता हूं, ये क्लॉज लिखने के टाइम ही पता चल जाता है कि बिल्डर नहीं, ये ब्रोकर है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज़ पेपर सबमिशन का, जब किसी आप झोपड़पट्टी वासी को या किसी को आप जब आप अप्रोच कर रहे हो और आप उसको कह रहे हो कि आप एसआरए स्कीम के तहत आप अपना पेपर डॉक्यूमेंट सबमिशन करो, ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है सबमिशन के पहले बिल्डर को जीबीआर लेना पड़ता है, मीटिंग लेना पड़ता है। एक मीटिंग में काम नहीं हो जाता है, कम से कम 10 से ज़्यादा मीटिंग लेना पड़ता है। हमारे बिल्डर ने कितनी मीटिंग लिया? एक मीटिंग लिया है, उस एक मीटिंग में वहीं पर साइन ले लिया है सबका और वहीं खाना खिलाया और उसी एक खर्चे में निपट गया। उसके बाद कोविड आ गया, 2 से 2.5 साल आज कोविड ख़त्म होने के, तीसरी लहर, अब चौथी लहर की तैयारी गवर्नमेंट शुरू कर दी है। अब चौथी लहर के टाइम पर बिल्डर अचानक से एक ऑफिस खोल दिया, 3 लोग आए जिनका नाम खुल के बताना चाह रहा हूँ, ये सभी लोग मुझे जानते हैं पर्सनली, लेकिन कोई यहाँ के आम लोगों को भले ना जानते हो, यहाँ के थोड़ा सा मेरा नाम है पूरे मुंबई शहर में रसूखदार जर्नलिस्ट होने का है, यहाँ तक मुझे तक यहाँ पर विश्वास में नहीं लिया गया या नहीं बताया गया कि संतोष पांडे आपके आसपास लोगों को भी कन्विंस करो यहाँ पर एसआरए में सबमिशन के लिए, तो आम आदमी तक तो ये पहुँच ही नहीं पाए होंगे। ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग पूरी सोसाइटी को मैनेज कर रहे हैं और 3 लोगों से ही बिल्डर के पूरे टच में है। एक प्रोसेस होता है फॉर्म सबमिशन का या डॉक्यूमेंट सबमिशन का, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट ले रहे हैं और सीधे सीधे वहीं पर बैठा के साइन ले रहे हैं, सिग्नेचर एक पहली बार जब डॉक्यूमेंट सबमिट होता है तो रजिस्टर पे सिग्नेचर लिया जाता है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया, लेकिन यहाँ हमारा डेवलपर क्या कर रहा है पता है, रजिस्टर पर सिग्नेचर नहीं ले रहा है, सीधे एग्रीमेंट बना रहा है, एग्रीमेंट बना रहा है, वो भी वीडियो शूटिंग के साथ में, कि एग्रीमेंट साइन हो गया, मतलब हम हाथ कटा के अपना दे चुके आज ही, और एग्रीमेंट भी ब्लैंक है, भाड़ा कितना आएगा ब्लैंक, एरिया कितना मिलेगा ब्लैंक, कब से बिल्डिंग कब चालू होगा ब्लैंक सी, ठीक है, ये सब चीज़ें जब जहाँ पर आ जाता है यहाँ पर साफ साफ पता चलता है कि बिल्डर के मन में खोट है। और जब इतने बड़े बड़े डेवलपर नहीं कर पाए तो ये छोटा बिल्डर हमारा घर कहाँ से बना के देगा? आज 305 का जीआर आ चुका है, फिर भी हमारे एग्रीमेंट में 300 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है, ये मैंने एग्रीमेंट पढ़ा। और जब मैं एग्रीमेंट मांगने के लिए गया था कि मुझे एग्रीमेंट दे दो, तब ये बोला गया कि यहीं पर बैठ के पढ़ो, कॉपी नहीं मिलेगी। आप बताइए 16 पन्ना 5 मिनट आप कैसे पढ़ लेंगे? 5 मिनट में एक प्रोसेस होता है कि 16 पन्ना मैं लूँ, मेरे एडवोकेट को दिखाऊँ, मेरे सोसाइटी मेंबर्स को दिखाऊँ, मेरे इलाके के मेरे पिताजी को दिखाऊँ, माँ को दिखाऊँ, बाप को दिखाऊँ या आस पड़ोस सबको दिखाऊँ ताकि सबकी सहमति हो। यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर मैं समझता हूँ बिल्डर बहुत छोटा है, गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, खर्चा करने के जेरोक्स नहीं दे सकता, तो एटलीस्ट ये कर सकता है जीबीआर की कॉपी और जो एग्रीमेंट है उसकी कॉपी अपने ऑफिस पर चिपका दे, जिसको मर्जी आए पढ़े, फोटो ले और जाए, तब भी सेटिस्फैक्शन होगा। यहाँ पर सेटिस्फैक्शन नाम का कोई चीज़ नहीं है, बस पेपर जमा करो या तो फिर धमकी भरा एक वॉइस मैसेज आता है कि बीएमसी आएगी, वो सर्वे करेगी तो आप अपात्र हो जाओगे, आपका घर बीएमसी फिर अपने हिसाब से देखेगी। तो हम बिल्डर अपॉइंट क्यों करें? हम बीएमसी से निपट लेंगे ना, जैसे 18 साल से आपको पता मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ और जब से ये सोसाइटी बनना शुरू हुआ है, सारे स्कीम में जा रही, तब से मैं छोटा था, मैं बड़ा हो गया, तब मेरे पिताजी आवाज़ उठाते थे कि बिल्डिंग बनेगा, क्या बनेगा, मैं सुनता था, आज मैं खुद उस रखड़पट्टी में फंस चुका हूँ।
तो मेरी एक सबसे यहाँ के लोगों से और पूरे न्यू गौतम नगर जो भी हाउसिंग सोसाइटी, इनसे निवेदन है, डॉक्यूमेंट्स कोई भी जमा ना करें, जमा करें तो रजिस्टर में ही साइन करें कि डॉक्यूमेंट सबमिट किया है और एग्रीमेंट पर कोई भी साइन नहीं करें। एग्रीमेंट अगर साइन हो रहा है तो प्रॉपर एग्रीमेंट लें, आप अपने एडवोकेट को दिखाएं, अगर आपका एडवोकेट कहता है ये सही है तो ही दें। और बिल्डर्स का जो प्रोजेक्ट है, बिल्डर से एक बार कहना चाहिए कि 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को उस प्रोजेक्ट उसका जहाँ पर भी पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट चालू है उसका विजिट करवाए, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन दिखाए। मेरा जहाँ तक नॉलेज है बताता हूँ, ये PNR डेवलपर के पास एक ही प्रोजेक्ट था 4 सोसाइटी का कुरला नेहरू नगर में, अब 12 से 15 साल होने आया है, अब तक वो सोसाइटी, वो बिल्डिंग पूरी तरह से नहीं बनी है। सबमिशन इन्होंने किया था, बाद में लकड़ा वाला डेवलपर यूसुफ लकड़ा वाला से पार्टनरशिप करके वो बिल्डिंग बनी है, MASS मास कंस्ट्रक्शन करके उस कंपनी का नाम है। तो मुझे तो जहाँ तक ये भी समझ में आ रहा है कि ये बिल्डर जो है ना, लकड़ा वाला बिल्डर का ही प्लांट किया हुआ आदमी लग रहा है। मेरा बोलना यहीं पर ठीक है, अब आगे यहाँ की जनता तय करेगी, जनता जहाँ जाएगी वहाँ मैं भी जाऊँगा। जी हाँ, सही बात है, क्योंकि जनता पब्लिक का मेजोरिटी जिस तरफ होगा उसी तरफ सभी लोग का झुकाव भी होगा, लेकिन एक तरफ ये भी देखना होगा कि जिस तरह ब्रोकर टाइप बिल्डर आते हैं, लोगों से कोरे एग्रीमेंट पे साइन ले लेते हैं, ना तो उस पर टर्म एंड कंडीशन होता है, घर कब मिलेगा, भाड़ा कब मिलेगा, प्रोजेक्ट कब बनेगा, कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट लिखा नहीं है और लोगों से साइन लिया जा रहा है। हालांकि बिल्डर कौन है लोगों को ये भी पता नहीं चल पाया, बिल्डर कैसे काम करेगा लोगों को वो भी पता नहीं है। और ये न्यू गौतम नगर सोसाइटी का मामला है, 3 लोग हैं जो पूरे सोसाइटी को, बिल्डर को चला रहे हैं, हालांकि कई बिल्डर आए और चले गए। अब देखना ये है कि न्यू गौतम नगर सोसाइटी का काम कब तक होता है, यहाँ पर ये सारे के तहत लोगों को घर कब तक बनाकर मिलता है। हालांकि देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार ये सारे के तहत कितने सक्सेस हो सकती है या मुंबई को संगाई सिटी बनाने के लिए कितनी उत्सुक है। हालांकि लोगों का एक ही कहना है कि हमारा घर के बदले घर बिल्डिंग में बन के मिले, जल्दी मिले, और जितने दिन हम अपने घर से वंचित रहे हमें घर का भाड़ा मिले। अब देखना यह है कि कब तक ये न्यू गौतम नगर में यहाँ पर बिल्डिंग बनता है और लोगों को घर मिलता है। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई। जिस प्रकार से जो बिल्डर भागे हैं, वो बिल्डर तो कैपेबल थे और बड़े लेवल पे काम करने वाले थे, वो भागे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ में ये जो संस्था है न्यू गौतम नगर गृह निर्माण संस्था, इसने कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है कि लेने देने के मामले में ही कुछ मसला हुआ है। बाकी लोगों को आप अगर पूछेंगे तो लोगों को सिर्फ यही पता है बिल्डर आया है, फाइल चली गई। आज तक 15 से 18 सालों में कम से कम ऐसे 10 बार हुआ है कि हम लोगों ने जेरॉक्स जमा की है, ये फाइल इन लोग आगे पुटअप करते हैं, दलाल वाला काम यहाँ पर चल रहा है। CN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।